गाइस गुड मॉर्निंग। हफ्ते में सिर्फ दो बार इस तेल को अपने सर पर लगा लीजिए, आपके बाल पहले से कहीं ज्यादा लंबे, घने और मजबूत हो जाएंगे। आपके बालों में नई जान आ जाएगी। आपके बाल जो बिल्कुल रूखे सूखे बेजान हो गए थे वो बिल्कुल शाइनी हो जाएंगे। आपके बालों की लेंथ बढ़नी शुरू हो जाएगी। जो आप लोग हमेशा कंप्लेन करते ना कि दी मेरे बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल बढ़ नहीं रहे, तो वो समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इनफैक्ट इतना ही नहीं, अगर आपके समय से पहले बाल सफेद हो चुके हैं ना, तो ये उनको भी काला कर देगा और इतने ज्यादा अच्छा टेक्सचर हो जाएगा ना कि आपने आज तक कभी इतना ह्यूज डिफरेंस फील ही नहीं किया होगा। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि हफ्ते में सिर्फ दो बार इस्तेमाल करने के बाद ना आपको इसका रिजल्ट अपने बालों में दिखना शुरू हो जाएगा। और प्लीज ऑनेस्ट कमेंट करना कि क्या रिजल्ट रहा आपके बालों में। सच में आपके बालों में शाइन आया, डैंड्रफ खत्म हुआ, आपके बाल पहले से कहीं ज्यादा ग्रो करेंगे। डिपेंड करता है आप पे कि आप उनको कट करवाना चाहें या फिर बड़ा करना चाहें, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो प्लीज मेरी इतनी सारी बातें बेशक मत सुनो, लेकिन इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आखिर तक फॉलो करना, क्योंकि अगर आपने कोई भी स्टेप स्किप कर दिया ना तो बहुत कुछ मिस कर देंगे, जो मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ चाहे आप बॉयज हैं, चाहे आप गर्ल हैं, चाहे आपकी उम्र 10 साल की है या फिर 60 साल की है, आप इस इफेक्टिव से तेल को अपने सर में लगाएं और अपने बालों को लंबा घना कर पाएं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी फीस लगेगी। फीस क्या भरनी है, आपको करना है वीडियो को लाइक और जमकर शेयर, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। ऐसा वाला नहीं, लेकिन इंटरनली वाला। जब मेरी फैमिली मुझे इतना प्यार दे रही है तो इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो प्लीज जान लेते हैं इस ऑयल को बनाना कैसे है और लगाना कैसे है, किस समय लगाना है। ध्यान से सुनिएगा और फॉलो जरूर करिएगा, और फॉलो करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अब इस ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको प्याज लेना है। लेकिन प्याज लेने के टाइम आपको ये गलती नहीं करनी कि आपको इस कलर का प्याज नहीं लेना, आपको लेना है बिल्कुल लाल। आप देख रहे हो दोनों प्याजों में कितना डिफरेंस है। एक बिल्कुल लाल प्याज है, क्योंकि इसमें सल्फर बहुत ज्यादा होता है इसलिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और ये नॉर्मल वाला प्याज होता है ना, ये आपको नहीं लेना है, आपको लेना है ये वाला प्याज। आप दो प्याज ले लीजिए इतने साइज के। उसके बाद अब हम इसको क्या करेंगे, छील लेंगे, और छीलने के बाद इसको कद्दूकस करके इसका जूस निकाल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्याज को छील लिया है, उन्हीं प्याजों को जो बिल्कुल लाल थे, और अब इनको मैं कद्दूकस करूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको कद्दूकस कर लिया। अब कद्दूकस करने के बाद मैं छन्नी की मदद से इसका जूस निकाल लूंगी। देखिए मैं पहले बता देती हूँ, इस ऑयल को लगाने के बाद आपके बालों में से थोड़ी सी महक आएगी, लेकिन अगर आप इस महक के बारे में सोचेंगे कि दूसरे क्या सोचेंगे, क्या करना है, तो आपके बाल दिन ब दिन झड़ेंगे ही, क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। और जो मार्केट में मिलने वाले ऑयल जो आप देखते हो ना, अनियन ऑयल, वो सिर्फ नाम के अनियन ऑयल होते हैं, क्योंकि उनमें जो क्वांटिटी है बहुत कम मिली होती है। तो जो हमारी किचन में चीजें अवेलेबल है, जो खुद हम बनाते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। आपके पैसे तो बचाती ही बचाती है, साथ में इफेक्ट रिजल्ट उसका आपकी आंखों के सामने होगा। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें ऐड करना है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च 1/4 स्पून। इतनी क्वांटिटी आपने काली मिर्च की लेनी है। 1/4 स्पून इसलिए लेना है क्योंकि काली मिर्च आपके बालों में जितनी भी एलर्जी है, आपके डैंड्रफ की समस्या है, उसको खत्म करती है, आपके बालों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, और साथ में आपके दो मोहे बालों की समस्या खत्म करके आपके बालों की ग्रोथ को फास्ट करती है। अब इसमें हम अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग नारियल का तेल ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ पे डालूंगी 4 चम्मच। अगर कोई सरसों का तेल यूज कर रहा है तो भी इसको यूज कर सकता है, कोई भी जो आप रेगुलर ऑयल यूज कर रहे हैं। अब हम इसमें यूज कर रहे हैं कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको किसी भी परचून की दुकान से इजीली मिल जाएगा। ये आपके बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है, आपके हेयर फॉल को स्टॉप करता है, आपके बालों की थिकनेस बढ़ाता है। जो आपके बाल बहुत पतला है ना, उसको ये ग्रो करेगा। तो हमने इसमें डालना है 1 चम्मच। अगर आपके बाल कमर से नीचे तक के हैं तो आप 2 चम्मच डालें, नहीं तो 1 चम्मच इनफ है। ये काफी गाढ़ा होता है तो मैं इसमें 1 चम्मच ये ऐड करूंगी। और अब हमारे बालों को हमने लंबा तो कर लिया, लेकिन अब हमें क्या करना है, इस ऑयल में एक और गुडनेस ऐड करनी है। किस चीज की, अपने जो बाल हैं जो हमारे समय से पहले सफेद हो रहे हैं उनको काला करने की, उनमें शाइन रहे, हमें वो चीज ऐड करनी है। तो वो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है इसके साथ। वैसे सारे मेन है इसमें से, प्लीज कुछ स्किप मत करना अपनी मर्जी से। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच आंवला पाउडर। आंवला पाउडर आपके बालों को काला करेगा,
आपके बाल जो सफेद हो गए हैं उनको प्री मेच्योर एजिंग से बचाएगा, आपके बालों में शाइन लेकर आएगा। ये इतना इफेक्टिव ऑयल है ट्रस्ट मी कि आप सारे मार्केट वाले ऑयल ना आज से लगाना भूल जाओ। अब जान लेते हैं इसको लगाना कैसे है, तो चलिए फॉलो करिए स्टेप भी। अब बारी आती है इस बेहतरीन से ऑयल को लगाने की, तो इसके लिए आप इसमें कॉटन डिप करें और अपने बालों में लगाएं, बालों की जड़ों में। अब हाथों से मसाज करिए ताकि जो ऑयल है वो आपके पूरे अच्छे से स्कैल्प में चला जाए, जड़ों में। अब इसको बालों की लेंथ में भी लगा लो। अब आपने क्या करना है, इस ऑयल को आपने अपने पूरे बालों में ऐसे लगे रहने देना है, रो बैंड बांध लो और एक घंटे के लिए इसको छोड़ दो। 1 आवर के बाद आपको अपना नॉर्मल शैम्पू और कंडीशनर कर लेना है, ठीक है? तो आप खुद नोटिस करेंगे कि हफ्ते में 2 बार के इस्तेमाल से आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। और प्लीज अपना ऑनेस्ट रिजल्ट मुझे शेयर करना मत भूलना, मैं आपका वेट करूंगी। इंस्टा फेसबुक का आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ऐसी खूब सारा प्यार देते रहे, मैं आपके लिए हमेशा कुछ नया और बेहतर लाती रहूंगी। लव यू ऑल। Bye.